मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूं सर। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू पैदा हुआ हूं। नरेंद्र भाई मोदी, चंगू और मंगू जो भारत को बेचने का काम कर रहे हैं, कैसे बेचने? हिंदुत्व का छूटा एजेंडा चला रहे। अरे वो खाली झोला लेके आए थे और अपने मित्रों को भरा हुआ झोला दे के फिर चल जाएंगे, और उनको बिहार की युवा शक्ति ही वापस इस केंद्र से ढकेल के उसी गुजरात के समुद्र में जहाँ ड्रग्स उतरता है ना, वही ठेल देंगे। आप तो जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे चाइना को आंख लाल करके दिखाओ, तो अब कौन रोक दिया है? अब केकरा बाबूजी से पूछने के लिए रुके हुए हैं? किससे पूछने के लिए आप रुके हुए हैं सर? इंदिरा गांधी एक पारसी से शादी करती है तो उसके हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह, और स्मृति ईरानी आपकी गोद में बैठती है तो वो हिंदुत्व। मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी हिंदू, और राहुल गांधी के हिंदुत्व पर जो है प्रश्न चिन्ह, ये दोगलापन हिंदुत्व है, ये दोगलापन हिंदुत्व। राजीव गांधी ने हमें रामलला की पूजा टेंट में करने की हमारी औकात दी, मोदी जी ने नहीं दिया, जनसंघ ने नहीं दिया, बीजेपी वालों ने नहीं दिया। रेलवे कैसे बिक गया? LIC जो 1950 में 250 कंपनियों को मर्जर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, एक भी PSU कंपनी, अंडरटेकिंग कंपनियां मोदी जी के आने के बाद बनी है भारत में? किससे पूछ के? LIC, वेल और रेल बेच रहे हो आप? मोदी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अकलवंत ई। तो टैलेंट होता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पढ़ा है वही टैलेंटेड हो। इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, वो बकरी चराए और चार्टर्ड प्लेन से देखने आते हो अंकिता सिंह को झारखंड में, तो जिस दिन वो तड़प रही थी उस दिन चार्टर्ड प्लेन काहे नहीं उसको दिल्ली एम्स ले गया नौटंकी करने के लिए? जितना ड्रामाबाजी, जितना प्रोपेगेंडा हो सकता है बीजेपी वाला वही करेगा। बीजेपी RSS सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करता है, इन्हें मुद्दों से भटकाने की बात करता है। जब भी आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करेंगे, आप बताइए रोटी पर GST है, आटे पर, पेंसिल पर GST है, कफन पर GST है, लेकिन मायदे पर GST नहीं है। जो माफ कीजिए इस बात को, मायदे के ऊपर GST नहीं है। मायदा कौन बनाता है? अडानी। सबसे बड़ा हिंदू कौन, यही चल रहा है मार्केट में। बीजेपी कहती है हम भाई हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, और उनका जो मुद्दा था 370 धारा 370 राम मंदिर सब करवा भी दिया, मगर एक आदमी सोशल मीडिया पे थोड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, उनका कहना है भाई हम 2014 वाले हिंदू नहीं है, हम माँ की कोख से हिंदू हैं। तो माँ के कोख से तो सभी हिंदू पैदा होते हैं। अभिजीत जी ये कैसा, माँ के कोख से हम हिंदू हैं? देखिए 2014 वाले हिंदू नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं सर? बीजेपी का जो हिंदुत्व है ना, वो पूरी तरीके से फर्जी हिंदुत्व। आपको आप सर्टिफिकेट देंगे बीजेपी को? तो वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं नहीं, वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ सर। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू पैदा हुआ हूँ और अपनी आखिरी सांस तक हिंदू रहूंगा। माँ की कोख से हिंदू पैदा होता है। ये जो अभी जो आए है ना भक्त, मोदी जी के भक्त, चंगू और मंगू, अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी, चंगू और मंगू जो भारत को बेचने का काम कर रहे हैं, कैसे बेचने? हिंदुत्व का छूटा एजेंडा चला रहे। अरे कैसा हिंदुत्व? आप कैसे सर्टिफिकेट? नहीं कैसा हिंदुत्व? एक बार हमको बताइए, इंदिरा गांधी एक पारसी से शादी करती है तो उसके हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह, और स्मृति ईरानी आपकी गोद में बैठती है तो वो हिंदुत्व? मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी हिंदू, और राहुल गांधी के हिंदुत्व पर जो है प्रश्न चिन्ह, ये दोगलापन हिंदुत्व है, ये दोगलापन हिंदुत्व है। ये आप सर्टिफिकेट देने लगे दोगलापन हिंदुत्व? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, जनता को जगाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं। हिंदू है ना खाली हम नहीं है सर, पूरे भारतीय जो भी हिंदू है ना इस हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में वो हिंदू है। वो मोदी जी के आने से ना उनका हिंदुत्व बढ़ा है ना हिंदुत्व घटा है, मोदी जी के आने से हम हिंदुओं का प्रतिष्ठा घटा है। सुरक्षित हुए हैं? बिल्कुल नहीं सर, राम मंदिर कोर्ट ने दिया, उनके पिताजी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने। 370 आपने हटवाया सर, राजीव गांधी ने हमें रामलला की पूजा टेंट में करने की हमारी औकात दी, मोदी जी ने नहीं दिया, जनसंघ ने नहीं दिया, बीजेपी वालों ने नहीं दिया। बात समझिए, आप 370 की बात कर रहे हैं, 370 हटने के बाद क्या एक बिहारी जाके जमीन खरीद सकता है? कहाँ खरीद सकता है? कहाँ? अभी तक गैजेट में दिखाई है, परमिशन मिला है? नोटंकी करता है ये लोग, नोटबंदी के बाद व्यापारियों को मार दिया,
पूरे व्यापारियों को मार दिया जो छोटे व्यापारी हैं। अरे देश के भला सर, के लिए किया था। देश के भला के लिए, अरे बहुत जो था इतना सर, वो दिन दूर नहीं है। ये गांधी मैदान है, काशी विश्वनाथ कुछ बोल दे रहे आप, सब बिक जाएगा। माइक देख लिए तो गांधी मैदान बिछवा दिया सर। माइक माइक हम एक पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक है, माइक का मजा उन लोग को लेने दीजिए। हम अपनी बात जनता तक करते हैं। हम लोग का स्लोगन है जनता ही सरकार है, हम जनता के दरवाजे पे खड़े होते हैं। हम जनता बिक जाएगा गांधी मैदान, कोई एग्जांपल है आपके पास? रेलवे कैसे बिक गया? LIC जो 1950 में 250 कंपनियों को मर्जर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, एक भी PSU कंपनी, अंडरटेकिंग कंपनियां मोदी जी के आने के बाद बनी है भारत में? किसके किससे पूछ के? LIC वेल और रेल बेच रहे हो आप, किससे पूछ के? एयर इंडिया और हमारी हवाई जहाज किससे पूछ के आपने बेच दिया? ये देश पहला निकम्मा देश है जिसके पास अपना हवाई जहाज कंपनी नहीं है। अब बात कर रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ तक को बेच देगा? कैसे बेच देंगे काशी विश्वनाथ भाई, वो तो मंदिर बनाने आया, बोल रहे हो बेच देंगे। सर वो मंदिर बनाने नहीं आए हैं, वो अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को, आपने देखा ना कोरोना में आप और हम घर में थे और अंबानी और अडानी का दौलत बढ़ रहा था। ये कैसे भैया काम करेगा? उसका बढ़ेगा, उस समय पूरी जलन होता, उस समय पूरी दुनिया बंद थी। उस समय कौन काम हो रहा था? वो कौन काम हो रहा था? वो मंत्रवा हम लोग को बता दीजिए, वो कौन जादू का छड़ी है प्राइवेट कंपनियों के पास कि आप रेल दे देते हैं तो वो चला लेगा? हम लोग का जो अधिकारी है, जो IAS कैटेगरी का जो लोग है, जो इतना पढ़ के वहां तक, जब बिहार से ना जी, सबसे ज्यादा IAS हम लोग देते हैं ना, है तो हम लोग वहां पढ़ के जाते हैं तो ना देश चलता है। ये नेतवन से चलाएगा देश, ये नेतवन, ये मोदी जी, मोदी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अकलवंत। ई तो टैलेंट होता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पढ़ा है वही टैलेंटेड हो। इसका 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 मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, वो बकरी चराए नहीं, वो जाके बकरी चराए उसी प्राइवेटाइजेशन सर। उनकी एक बात बताइए, उनकी एक भी पॉलिसी मुझे बताइए। नोटबंदी पूरी तरीके से फेल, GST पूरी तरीके से फेल, NRC लाए, क्या किए? झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा चलाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुम किसी बोल रहे कि जो बाहरी है वो बाहर जाएगा NRC में, क्या सबसे बड़ा बाहरी तो मोदी है? कैसे सबसे बड़ा बाहरी है? आज तक पता है वो कहां से आया, क्या किया भाई? क्या किया? अरे मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले उनका संघर्ष का जीवन बता दीजिए, दो चार को फोटो बेचते थे। अच्छा वो तो एक सर एक प्रोपेगेंडा है, वो एक प्रोपेगेंडा है, वो एक प्रोपेगेंडा है। चाय बेचते थे, जो आदमी आज 12 लाख का सूट पहनता हो वो चाय बेचेगा? आप गरीब का 12 लाख का सूट से? अरे वो पैसा हमारा है सर, एक नमक का भी पैकेट खरीदते हैं, एक बिस्कुट का भी पैकेट खरीदते हैं ना, तो हम टैक्स देते हैं। वो अपने घर से नहीं लाए हैं वो पैसा, वो खाली झोला लेके आए थे और अपने मित्रों को भरा हुआ झोला दे के फिर चल जाएंगे, और उनको बिहार की युवा शक्ति ही वापस इस केंद्र से ढकेल के उसी गुजरात के समुद्र में जहाँ ड्रग्स उतरता है ना, वही ठेल देंगे। ड्रग्स नहीं उतरता है, गुजरात खत्म हो रहा है सर। अगर इस बार और गुजरात में सरकार आ गई BJP वालों की ना, सबसे ज्यादा हमारा देश नौजवान 75% और सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी हिंदुस्तान में। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो, जिस देश में सबसे ज्यादा युवाओं की शक्ति हो, वो शक्ति का इस्तेमाल मोदी जी नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही पॉलिसी है, अगर इनसे जब बात करिएगा तो जाति धर्म पे आ जाएंगे, नहीं तो राष्ट्रवाद पे आ जाएंगे। अरे आप कहते हो सुरक्षित तो है, राष्ट्रवादी लोग हैं तब ना आते हैं आप बिरयानी खाने आप जाते हैं सर, बिरयानी खाने आप जाते हैं। पुलवामा अटैक आपके शासन काल में होता है और विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। विपक्ष ने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, आप में हिम्मत है? आपका तो चाइना घुस के आपके आगे आपको आंख दिखा रहा है, हिम्मत है आपको? कल के अखबारों का हेडलाइन क्या था? 3 साल के बाद चाइना की सेनाएं हट रही हैं, ये हेडलाइन थी ना सर? ये दिल्ली के हिंदू और बाकी अखबारों का हेडलाइन था ना? 3 साल तक आप कहे चुप थे? आप तो जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे चाइना को आंख लाल करके दिखाओ, तो आप कौन रोक दिया है? अब केकरा बाबू जी से पूछने के लिए रुके हुए हैं? किससे पूछने के लिए आप रुके हुए हैं सर? तो ये जहां भी आप बात करें ना हिंदुत्व की, ये फर्जी हिंदुत्व है BJP के पास। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है सर, ये रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, ये अस्पताल की बात नहीं कर सकते हैं, ये किसान की बात नहीं। आज बिहार में 500-600 रुपए बोरा बिक रहा है, काहे नहीं आ रहा है रैक हमारे यहाँ? रैक क्यों नहीं आ रहा है? बिहार में तो उत्पादन नहीं होता है, बरौनी भी बंद है, बाकी सब जगह खाद बंद है, क्यों नहीं आता है बिहार में रैक? क्यों वो मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पर चला जा रहा है?
ये सवाल पूछना होगा। मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह अभी बिहार आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर मुझे ये बताइए कि बिहार में, बिहार के अंदर अमित शाह आ रहे हैं, क्या अमित शाह बिहार बिहार को विशेष राज का पैकेज देंगे, उसके ऊपर मंच से कुछ बोलेंगे, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, वो पता है क्या करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे। क्या लव, आप लोग भी ना मारा, बिल्कुल क्या लव जिहाद, हमारे युवाओं को गुमराह करके आप लव जिहाद की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा बीजेपी में मुस्लिम दामाद है, आपके घर में मुस्लिम दामाद है, आपके घर में मुस्लिम दामाद है, बिहार में भी है ना, अभी मंत्री थे, अभी बीजेपी में मंत्री थे, इनका बात कर रहा मंत्री जी की। अच्छा मंत्री जी की, हम नाम ले लेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो डरते हैं, हम तो किसी से नहीं डरते, हम तो पप्पूवादी है, हम किससे डरेंगे, हो हम तो पप्पू यादव के सेना के लोग, हम किससे डरेंगे, डर नहीं आदर है। अच्छा एक आदर है कि मंत्री पद पे रहे हैं। हाँ। तो बस इशारा काफी है, लव जिहाद अपने घर से खत्म करो ना, रोड पर हमारे बच्चों को गुमराह करके पिटवाते हो कटवाते हो। हाँ। वो तो बोलते हैं, और चार्टर्ड प्लेन से देखने आते हो अंकिता सिंह को झारखंड में। हाँ। तो जिस दिन वो तड़प रही थी उस दिन चार्टर्ड प्लेन का है नहीं, उसको दिल्ली एम्स ले गया नौटंकी करने के लिए। जितना ड्रामाबाजी, जितना प्रोपेगेंडा हो सकता है बीजेपी वाला वही करेगा, सभी जगहों पर बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाती है सर, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कैसे कह सकते कि एजेंडा नहीं है, प्रोपेगेंडा? अब ये बताइए, कल 40,000 के टी शर्ट की बात हो रही थी। हाँ। हो रही थी ना, राहुल गांधी की। हाँ। अरे बेशर्म हो, मेरे मोबाइल में एक फोटो है। हाँ। अनुराग जी का जो बेटा है। हाँ। अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर, ये अनुराग ठाकुर का बेटा है, ये कौन सा टी शर्ट पहना है, सेम कंपनी ना सर, सेम ब्रांड, और ही इज इन यूएस, इनके पास ये पहनने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी को ही पहनने का अधिकार नहीं है। अरे भाई ये क्या बात है, अब पैदल चलिएगा, भारत जोड़ेगा, 40,000 का टी शर्ट पहनिएगा, गलत नहीं है ये, कोई बात हुआ और क्या, हम भारत जोड़ेंगे, मान लीजिए हम ये बोलेगा हम गरीब हैं, 40,000 का टी शर्ट, अरे साहब क्या मजाक के साहब, अरे साहब उनको तो ये बात का आश्चर्य हो रहा है कि हम तो इस देश के लोगों को गरीब करने का सोचे थे, 40,000 का टी शर्ट कैसे पहन लिया, अभी कुछ रह गया है तो कुछ और बेच दो और बर्बाद कर दो इस देश को। आप टी शर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और जो यात्रा वो व्यक्ति कर रहा है, आप कह रहे हो भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड भारत, आप मोदी जी के स्पीच से उठा के देख लीजिए, जुड़ा हुआ नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर। जो राहुल गांधी की यात्रा है वो लोगों को जगाने की यात्रा है, लोगों के अंदर वापस वो विश्वास हासिल करने का यात्रा है, लोगों को बताने का समय है कि ये जो मोबाइलों पर जो प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाती है, जो कुछ कुछ मुट्ठी भर मीडिया हाउसेस के माध्यम से जो प्रोपेगेंडा चलाती है वो झूठ है, उसको चश्मा हटाइए, धूल साफ करिए। कह रहे कि लव जिहाद भी उनका प्रोपेगेंडा है, एजेंडा नहीं है, उन्हीं के घर में सबसे ज्यादा, बिल्कुल है ना सर, उनके घर में दामाद है, हमारे घर में थोड़ी ना है, उनके घर में दामाद, क्या दिक्कत है आपको उनके घर में, तो फिर ये लव जिहाद का ड्रामा बंद कर दो, वो तो पहले काहे उन बच्चों को पिटवाते हो, काहे उन बच्चियों को कटवाते हो, बंद कर दो, नहीं तो अपने घर को सुधार लो पहले, पहले कोई अपना दरवाजा साफ करेगा ना, कि पड़ोसी का दरवाजा साफ करेगा, पहले ही हमको बताइए आप अपने घर को साफ करिएगा कि पड़ोसी को साफ करिएगा, बीजेपी का क्या एजेंडा, एक एजेंडा बताइए, बोले देश को मजबूत करना है, कौन सा मजबूती, पहला फाइनेंशियल बजट इस देश में आया है पिछला, जो 25 साल का प्रोजेक्शन है, आप कभी ऐसा बजट देखे हैं, बजट का मतलब होता है 365 दिन का बजट, देश में क्या होगा कैसे होगा, आप 25 साल का प्रोजेक्शन दे दिया हमको, 25 साल के बाद आप रहिएगा कब्र में जाइएगा कौन जानता, जवाब दीजिएगा, उस समय आप हालत में रहिएगा जवाब देने के, आप कितनी कंपनियों को लाए और आपको किसने अधिकार दिया हमारे टैक्स से बनी हुई कंपनियों को, हमारे पूर्वज के द्वारा बनाई गई कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेचने का, इतना बता दे मोदी जी, अगर वह हिंदू हैं तो एक्ट 30 क्यों नहीं हटा साहब, आज एक ब्राह्मण पैसे मांग के, डोनेशन मांग के अगर अपने घर में रखता है तो उसे इनकम टैक्स देना होगा, आपको पता है ये संविधान में लिखा है, ये संविधान में लिखा है, राम मंदिर हम बनाएंगे, अरे राम मंदिर तू बने ले हा? कि कोर्ट राम मंदिर राजीव गांधी खुलवाए टेंट में, आप खुलवाए, कौन खुलवाया, वो तो सर ये गुमराह करते हैं, एक सिंपल सी लाइन है, बीजेपी आरएसएस सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करता है, इन्हें ये मुद्दों से भटकाने की बात करता है, जब भी आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करेंगे, आप बताइए रोटी पर जीएसटी है, आटे पर, पेंसिल पर जीएसटी है, कफन पर जीएसटी है, लेकिन मायदे पर जीएसटी नहीं है, जो माफ कीजिए इस बात को, मायदे के ऊपर जीएसटी नहीं है, मायदा कौन बनाता है, अडानी,
वैसी बड़ी कंपनियां मैदा बनाती हैं, उस पर जीएसटी नहीं। ये क्या मजाक है? छोटे से लॉज में आप जाइए जीएसटी लग रहा है? छोटे से लॉज में कौन जाता है? 12 लाख का सूट पहनने वाला क्या आपके और मेरे जैसे गरीब लोग कौन जाता है? किसान का बेटा अगर एक दिन के लिए आया परीक्षा देने तो वो लॉज में जाता है ना जी। उससे आप 5% 12% क्यों वसूल रहे हैं आपको पता है? 11 लाख करोड़ रुपया आप उद्योगपतियों का माफ कर दिए और किसान का 16 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज है 52% भारतीय किसानों के ऊपर वो माफ करने में आपको डर लग रहा है। आप 0.1% कहते हैं हम कम कर देंगे, भीख मांग रहे हैं, तू ले लो पैसा। किसान का बेटा रोजगार करता है, उस रोजगार से टैक्स भरता है तो ये सरकार चलती है, और अपने अपने ही बेटे का पैसा है किसान मांग रहा है खेत खलिहान को सुरक्षित करने के लिए। अगर कृषि पे हम ध्यान देना साहब तो 40% नौकरियां दे सकते हैं, 40% हम नौकरियां दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये डाटा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कहता इस बात को। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सिर्फ उद्योगपतियों का, आप एमएसपी की बात पर सारे लोग उठ के गए हमारे किसान लोग। मतलब आपका आपका सीधा सवाल उठता है कि मोदी जी लव जिहादो फैला रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, कहा कि सबसे ज्यादा उन्हीं के घर में ये सब मामला है। आप कह रहे हैं कि भाई हम कोक से हिंदू हैं, 2014 वाले हिंदू नहीं है। बिल्कुल है सर, इसमें आप कह रहे हैं कि मोदी जी गांधी मैदान बेच देंगे। अरे मोदी जी तो ऐसा है, मोदी जी तो ऐसा है कि किसी दिन भारत क्या चाबी है किसी को देके ना चल जाए। ये भी हो सकता है सर। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सारी अगर गवर्नमेंट कंपनी जो पीएसयू कंपनी होती है अगर वो सारी कंपनियां आप प्राइवेट को ही दे रहे हैं तो चुनाव का अलग करा रहे हैं, तब हम उसी में से किसी को प्रधानमंत्री मान लेते हैं, अडानी ने तो अंबानी को क्या अडानी ने। अब ये जो आप अभी जो सुबह देख रहे हैं जो ये महिला साफ कर रही हैं इनको अडानी और अंबानी नौकरी देते हैं? नहीं ना, इनको कौन नौकरी देता? आप मेरे जैसे इनके जैसे गरीब लोग जो अपने पैसों से टैक्स देते हैं उस टैक्स से इनका घर चलता है। अडानी जी और अंबानी जी के इनकम से इस देश को कितना फायदा है ये बता दे मोदी जी। चलिए मोदी जी पे बहुत सारा सवाल है भाई की। देखिए लव जिहाद का आप बात करते हैं, मगर सबसे ज्यादा लव जिहाद का केस आप ही के घर में है। अब तो डाउट है कि ये काहे नहीं बेच दे गांधी मैदान, क्योंकि रेलवे बिक गया, एयरप्लेन और जाकर एयरपोर्ट सब बिक गया, तो सवाल तो है। अब सवाल का जवाब कौन देगा, मिलेगा या नहीं, वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।